राजसमंद सांसद दिया कुमारी मंगलवार को ब्यावर के दौरे पर रही। इस दौरान वे राजसमंद सांसद और एलमुको की ओर से राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की 4 विधानसभाओं के दिव्यांगजनों को निःशुल्क ईवी ट्राईसाइकिल देने हेतु दिव्यांग पात्रता शिविर में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सांसद दिया कुमारी के कार्यक्रम स्थल सिंधा रोड स्थित अशोक पैलेस पहुंचते ही विधायक शंकर सिंह रावत, देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भुतरा के नेतृत्व में सांसद दिया कुमारी का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर शहर के सिंधा रोड स्थित अशोक पैलेस में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांगजन पहुंचे तथा निःशुल्क ट्राई साइकिल के लिए आवेदन किया। शिविर के दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने दिव्यांगजनों के आवेदन पत्र विभिन्न दस्तावेजों के साथ जमा किए। साथ ही जिन लोगों के आवेदन पत्रों में जिन दस्तावेजों की कमी पाई गई उन कमियों के बारे में भी संबंधित दिव्यांगजनों को जानकारी दी गई तथा आवेदन पूर्ण करने के बाद जमा करवाने की समझाइश की। शिविर के दौरान दिव्यांगजनों के लिए छाया तथा पानी की व्यवस्था की गई। इस दौरान कई लोगों ने दिव्यांगजनों को डेस्क तक पहुंचाने तथा उनके दस्तावेजों की जांच करने में सहयोग किया। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भुतरा ने बताया कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी कड़ी में राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने भी दिव्यांगजनों को निःशुल्क ईवी ट्राई साइकिल वितरित की जाएगी। ट्राई साइकिल हेतु पात्र लोगों के चयन के लिए उक्त शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदनों की जांच के बाद पात्र लोगों को शीघ्र ही ईवी ट्राई साइकिलें वितरित की जाएगी। इस दौरान सांसद दिया कुमारी ने शिविर में दिव्यांगजनों से रूबरू होते हुए शिविर के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों से संबोधित करते हुए कहा कि उनकी आवश्यकता तथा पात्रता के आधार पर उन्हें निःशुल्क ईवी ट्राई साइकिलें दी जाएगी। अभी शिविर में पंजीयन किया जा रहा है, पात्र लोगों का चयन किया जाएगा और उसके बाद मई और जून के महीने में उन्हें साइकिलें दी जाएगी। इस योजना को लेकर दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान दिया कुमारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यह वर्ष चुनावी वर्ष है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर समय में लोगों के बीच जाकर उनकी सेवा की। कभी भाजपा कार्यकर्ता होटलों में बंद नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस ने कोरोना काल हो या अन्य करीब 4.5 साल होटलों में बंद रहे। उन्होंने कहा कि आगामी समय में भी भाजपा के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में भी नरेंद्र मोदी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी का कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। इस मौके पर सांसद के साथ विधायक शंकर सिंह रावत, जेतारण विधायक अविनाश गहलोत, देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भुतरा तथा नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया भी उपस्थित थे। क्या है कि जो हम लोगों ने केंद्र सरकार की योजना है उसके अंतर्गत दिव्यांगों को अलग अलग जो उनको उपकरण हैं और अलग अलग जो इक्विपमेंट है जिससे कि उनको किसी को कोई ज़्यादा अगर डिसेबिलिटी ज़्यादा है कम है उसके हिसाब से आज कैंप का आयोजन किया है और चारों विधानसभा जेतारण, ब्यावर, मेड़ता और देगाना से यहाँ पर अलग सभी यहाँ पर आए हैं। दिव्यांगजन पधारे हैं और उनकी चेकअप भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहा है, उसके बाद जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इक्विपमेंट भी उनको मिलेगा और मई में या जून में जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद इनको जो डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है वो भी हम लोग करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने हर व्यक्ति के बारे में सोचा और इस तरह की योजना बनाई जिससे कि हर व्यक्ति को लाभ मिले और आज हमारे दिव्यांगजनों को भी इससे लाभ मिले। आने वाला वर्ष बिल्कुल देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोविड के समय की बात करें, कोविड के अलावा हम लोग कोई भी बात करें, कभी की भी बात करें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहा है, कभी भी होटलों में बंद नहीं रहा है। कांग्रेस होटलों में बंद थी ज़्यादातर इन 4.5 सालों में, आज भी उनकी ये स्थिति है कि आपस की उनकी लड़ाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता के लिए काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी योजना के माध्यम से इतनी सारी योजनाएं हैं और अगर आप कहीं भी जाएंगे ना तो सबको जानकारी भी है और सबको फ़ायदा भी मिला। तो हम तो ये काम हमारा तो काम बोलता है, मोदी जी का कोई भी मुझे लगता है ऑप्शन नहीं है। पूरे देश ने देख लिया कि पहले भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया और इस बार भी किया और आगे भी करेंगे।